कुछ लोग होते हैं बहुत जिद्दी किस्म के, जो ठान लिए से पूरा करेंगे, जिद्दी है। लोग बताते हैं कि मेरा बेटा बहुत ख़राब है, जिद्दी है। मतलब अच्छा है, बढ़िया चीज़, बढ़िया पीस मिला है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा सबको नहीं मिलता है, जो चाहता है उसको हासिल करता है, ठीक है ना। कमिटमेंट है, और अगर जिद नहीं है तो इसका मतलब है कि वो क्या है। हाँ, दो तरह के हैं ना, एक है महागणेशा, दूसरा है। तो तुम लोग किस कैटेगरी में हो? अभी तो समय बताएगा, ठीक है, ये तो समय बताएगा कि तुम महागणेशा हो कि गोबर गणेशा हो, ठीक है। लेकिन इसका सिंपल मैंने तुमको कॉन्सेप्ट दिया था, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, महागणेशा और गोबर गणेशा के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वेरी गुड, खड़े हो जाओ, खड़े 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 जाओ, कैच कर लेगी। दे दो उसको, दिखा के दे दो। हाँ, जो सवाल पूछता है वो महागणेशा है, और जो खुद ब खुद अनुमान लगाता रहता है वो कौन है? गोबर गणेशा है। तो तुम लोग को क्या बनना है क्लास में? मैं अभी आया था ऊपर, पुदार सर यही समझा रहे थे कि सवाल पूछना, हाथ खड़े करना। पुदार सर एक बार पूछे बच्चे लोग से कि गोल घर देखे हो, हाथ खड़ा करो, करो। कुछ लोग किया, कुछ लोग नहीं किया। देखो लड़की अभी भी नहीं दिखी है, नहीं नहीं कि अभी अभी कुछ लोग कर रहा है। तुम आधा देखे हो तो पूरा हाथ खड़ा करो नीचे। तो बच्चा जो हाथ खड़ा नहीं कर रहा, उससे पूछे क्यों हाथ खड़ा नहीं कर रहे हो, देखे नहीं है। बोले सर देखे तो हैं, तो हाथ खड़ा क्यों नहीं कर? सर हाथ खड़ा करेंगे तो आप पूछ लेंगे कितना सीढ़ी है। इससे अच्छा नहीं देखे। तो ऐसे ही होता है क्लास में, जब कभी पूछा जाएगा कि किसको समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा करो, कोई हाथ खड़ा। जबकि आपको नहीं समझ में आया पूछो, आपके माध्यम से और लोगों का भी भला होगा। आस्क, ठीक है ना। और आस्क का फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, के फॉर नॉलेज, एस फॉर स्किल, ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड वही विल पावर जो हर चीज संभव कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, एटीट्यूड मतलब वो तुम्हारी एक जिजीविषा, इच्छा शक्ति, जो तुम्हारा जीने का तरीका है, किस तरीके से तुम जीते हो, जिंदगी को तुम किस तरीके से लेते हो, तुम जिंदा हो कि जिंदगी जी रहे हो, दोनों में अंतर है कि नहीं है? बहुत से लोग सिर्फ जिंदा हैं, जिंदगी जी जिंदगी के हर एक पल को एंजॉय करना। भगवान ने जिंदगी की नेमत दी है, उसके पीछे कुछ है ना, कुछ भगवान की मंशा है, तुमको भेजा है, तुमको एक स्वरूप दिया, एक आकार दिया, शक्ल दी, और बिल्कुल अलग शक्ल दी। तुमको अपने जैसा कोई दूसरा मिलता नहीं है, मिलता है क्या? सोचो, भगवान ने अलग अलग चेहरे बनाने के पीछे कितनी मेहनत करी, ठीक है ना। तुम्हारा एक अलग सा चेहरा बनाया, अलग सी आवाज़ बनाई, अलग सी पहचान दी, हाँ। और उसके बाद तुम आज जब पैदा हुए तो कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ धरती पर आए, कुछ करके जाए, कुछ लोगों को पता चले, कुछ लोगों का जीवन बेहतर करके जाए, हाँ। या ऐसे ही बैठकबाजी में आ गए, पापा मम्मी के पास कुछ काम नहीं था इसलिए हम लोग आ गए, हाँ, ऐसा कुछ है? माँ बाप का सपना हो तुम, समझ रहे बात को, माँ बाप का सपना हो तुम। तुमको ये सोचना है कि तुम आज धरती पे आए हो, भगवान का कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग है, उस प्लानिंग को पूरा करने में मुझे अपना रोल निभाना है, और नहीं तो फिर इधर उधर रुलते रहोगे। जब क्लास चल रही होती है, कई बार बच्चे नीचे बाइक पे बैठे होते हैं और बगल में कुत्ता बैठा रहता है, वो भी पूंछ हिला रहा है, उसके पास पूंछ तो नहीं है लेकिन वही बैठा रहता है। मैं मानता हूँ कि दोनों के भाग्य में कोई अंतर, उसका भी जीवन सड़क पे गुजरेगा, उसका भी जीवन सड़क पे गुजरेगा।